एक और नई मुसीबत आ गई है इश्कबाज शिवाय की लाइफ में। अनिका को नींद में चलने की बीमारी हो गई है। नींद से उठकर वो कहीं भी चली जाती है, मगर हाँ जाने से पहले मेकअप जरूर करती है, ताकि भले ही नींद में ही सही मगर सुंदर तो लगना ही है। वो खुद अपने आप को भले ही ना देख पाती हो, मगर उसे देखने वाले कहीं डर ना जाए, तभी तो वो नींद में चलने से पहले सज रही है। मैं तैयार हो रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के लिए। ट्विस्ट तो नहीं है ये, बट अ वेरी डिफरेंट ट्रेट ऑफ कलावती ठाकुर। मैं स्लीप वॉक करने वाली हूँ। अनिका तो नींद में उठकर चली भी गई और परेशान हो गया शिवाय, क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रही है। शिवाय बेचारा करे तो करे क्या, नौकरों पर गुस्सा उतार दिया, अनिका कहाँ गई पता ही नहीं, इसलिए फोन भी लगाया, मगर अनिका का फोन तो घर में ही पड़ा है, तो और गुस्सा हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि दादी आई और शिवाय को समझाया, तब जाकर शिवाय शांत हुआ। बेचारा शिवाय इतने बड़े घर का बिजनेस संभाले या फिर अपनी बीवी को। अनिका वो घर छोड़ के चली गई है इस सीन में, एंड उसने बताया नहीं वो कहाँ गई, अपना फोन लेकर नहीं गई है। एंड जब मुझे लोग बताते नहीं कि क्या हो रहा है जिंदगी में, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अनिका और शिवाय की यही तो है असली इश्कबाजी। ऐसे ही तो दोबारा दोनों को प्यार होगा और दोबारा दोनों के इश्क की ऐसी ही फनी कहानियां देखने मिलेंगी। और बीती रात के एपिसोड में जो तमाशा देखने को मिला, ये देखकर दर्शकों को भी अंदाजा आ ही जाएगा कि इन दोनों के इश्क की ऐसी ही फनी कहानियां हमें देखने मिलती रहेगी। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।